हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शिवनाथ शास्त्री कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। इनका भी एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है, आज ही आया है। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड हायर एजुकेशन की तरफ से आपको भी पता है नोटिस आया था, 1 से 15 के बीच में आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो इनका भी आ चुका है, ये एक मॉर्निंग कॉलेज है, ठीक है। आपको देख सकते हो ये इनका कैंपस है। ऑनलाइन एडमिशन 2023-24 पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसे आ जाना है, ठीक है। ये मैं ये साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट आ जाइएगा आप। आपको अगर यूनिवर्सिटी रेगुलेशन जानना है तो ये दे लीजिए, एडमिशन नॉर्म्स जानना है तो यहाँ से जान लीजिए, एडमिशन शेड्यूल देखना है यहाँ से देख लीजिए, सीट मैट्रिक्स इंटेक कैपेसिटी यहाँ से देख लीजिए, फीस स्ट्रक्चर देखना है देख सकते हैं, एडमिशन हेल्पलाइन यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दिया गया, तो इसके बाद आपको क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको दिया गया है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, डिक्लेरेशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट आपको चलना है। नेक्स्ट आने के बाद आपको स्ट्रीम चूज करना है, ठीक है, कौन सा आपको कोर्स में एडमिशन लेना है। जैसे मान लीजिए मुझे BSc में लेना है एडमिशन, और जेंडर में आपको फीमेल है, ये गर्ल्स कॉलेज है, मॉर्निंग कॉलेज है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। BSc में आपको क्या करना है, ज्योग्राफी लेना है, ठीक है। मेरे पास जिनका है, मैं BA का बना था, सॉरी मैं BA का सीट सेलेक्ट करता हूँ, फीमेल, और मुझे BA पॉलिटिकल साइंस लेना है। तो BA पॉलिटिकल साइंस में आपको हो गया। इसके बाद कैटेगरी आएगा यहाँ से सेलेक्ट करने का, सॉरी यहाँ से आप जनरल हैं तो जनरल में सेलेक्ट कर लीजिए। ये दिया है, ये सारे चीज़ें दिया है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। ये सारे एग्रीगेट 50% आना चाहिए पॉलिटिकल साइंस एंड 45% इन सब्जेक्ट रिलेटेड टू, ये सारी चीज़ें आपको दिया है। फिर इसके बाद ये इज योर ये पूछ रहा है, कंफर्म करने के लिए पूछ रहे हैं ये आप एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं ना, तो यस कर दीजिए। यस करने के बाद यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको एकेडमिक डिटेल मांगा जाएगा क्लास टू में, बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कर लीजिए, वेस्ट बंगाल बोर्ड से करना किए हैं तो कर लीजिए, बाकी जितने भी हैं अदर पर क्लिक कीजिए। अदर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना बोर्ड का नाम डालिए, ठीक है। उसके बाद मार्क्स कितना आपने आपके मार्क्स कितना सब्जेक्ट वाइज मार्क्स थे वो डाल लीजिए, जैसे कि आपके सब्जेक्ट वाइज फर्स्ट में आपको सेलेक्ट करना है, फर्स्ट में क्या कीजिए जितने भी लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद 3 सब्जेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी, और आपने ऑब्टेन कितना किया ये डाल लीजिए, ठीक है। ये मैं पूरा फिलअप कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे आपको लेकर चलता हूँ। तो अब देख सकते हो ये मैंने मार्क्स डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मार्क्स डालने के बाद एक चीज़ और अपने को ऐड करना है, तो एंट्री कर लेना है, इंस्टीट्यूट एंट्री कर लेना है। तो देख सकते हो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालिए, उसके बाद आपको कोर्स जो है वो कर लीजिए, सब्जेक्ट स्टडीज़, ये सारी चीज़ें आपको डालना होगा। लास्ट इंस्टीट्यूट नेम डाल लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें नाम आ रहा है अपने हिसाब से डाल लीजिए, अगर नहीं है तो अदर कर लीजिएगा। अदर का यहाँ पे नाम लिख लीजिए, लास्ट इंस्टीट्यूट एड्रेस लिख लीजिए, जिस एड्रेस पर होगा अपने मार्कशीट निकालिएगा तो वहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। फिर कंट्री डाल लीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल लीजिए, अदर सिटी है तो वो डाल लीजिए, ईयर ऑफ पासिंग जो है डाल लीजिए, जैसे 2019 तक के लिए एलिजिबल हैं आप, ठीक है। बोर्ड रोल नंबर डाल लीजिए यहाँ पे, स्टेट डाल लीजिए अदर स्टेट से हैं तो वो डाल लीजिए, पिन कोड डाल लीजिए यहाँ पे, मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूट जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, बंगाली है, अदर है वो डाल लीजिए, उसके बाद यहाँ से डन कर दीजिएगा, ठीक है। मैं डन करके फिर नेक्स्ट स्टेप पर लेकर चलता हूँ। जैसे ही वहाँ पर सबमिट कीजिएगा तो आपको ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, एप्लीकेंट्स नेम डाल लीजिए, मिडिल नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए, ठीक है। एक्टिव जीमेल अकाउंट अपना डाल लीजिए जो एक्टिव हो, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए ज़रूरी होता है। डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए यहाँ पे, प्लेस ऑफ बर्थ डाल लीजिए, नेशनलिटी इधर डाल लीजिए, मदर टंग है वो डाल लीजिए, कैटेगरी कर लीजिए इधर, ब्लड ग्रुप, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस डाल लीजिए, सर्टिफिकेट इशू डेट आप डाल लीजिए अगर हैं तो, वो उसका डेट आपको डाल लेना होगा।
फिर अगर आप फर्स्ट जनरेशन लर्नर है वो डाल लीजिए, एप्लीकेंट्स व्हाट्सएप नंबर हैं तो वो डाल लीजिए, इमरजेंसी नंबर है आधार कार्ड डाल लीजिए, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी डाल लीजिए, कन्याश्री इनरोल है तो वो डाल लीजिए, कन्याश्री टेलीकॉन नंबर ये डाल लीजिए, बीपीएल डाल लीजिए, डी यू है बेंगलोर, शिक्षा स्टडी आईडी ये डाल लीजिए, वेदर वैक्सीनेटेड वो डाल लीजिए, एनी क्रॉनिक इलनेस कोई बीमारी वो डाल लीजिए, अपलोड अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कर लीजिए, एप्लीकेंट सिग्नेचर यहाँ पे कर लेना है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी यहाँ पे कर लेना है, ठीक है, क्रॉनिक इलनेस डिटेल अगर है तो वो डाल लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद लॉगिन डिटेल आपको यहाँ पे कर लेना, पासवर्ड आपको जनरेट कर लेना है, लॉगिन आईडी कर लेना है, ये कर लेना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड जो बनाइएगा उसको आपको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करके अच्छे जगह रख लीजिए क्योंकि आपको फ्यूचर रेफरेंस में काम देने वाला है, क्योंकि वहीं से सारा चीज़ होगा, ठीक है। उसके बाद एड्रेस यहाँ पे डाल लीजिए, एड्रेस पूरा डालिए, कंट्री डालिए, सिटी डालिए, अदर सिटी अदर लैंडलाइन डालिए, पुलिस स्टेशन डालिए, स्टेट अदर स्टेट, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है तो वो डाल लीजिए, फिर यहाँ पे अगर सेम है तो यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर वहाँ पर डिटेल है, टाइप ऑफ लोकेलिटी डाल लीजिए, प्लेस ऑफ स्टे ये डाल लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर कर लीजिए, फैमिली डिटेल अपना कर लीजिए, जैसे फैमिली डिटेल में फादर का पूरा डिटेल डाल लीजिए, टाइटल नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, ईमेल, मदर का टाइटल नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, ईमेल डाल लीजिए, फिर कॉन्टैक्ट नंबर एटलीस्ट वन डाल लीजिए, फिर इसमें भी एक कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देना है, फैमिली इनकम जो है वो डाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद गार्जियन डिटेल डाल लीजिए, रिलेशन स्पेसिफाई रिलेशन, ठीक है, एक गार्जियन होना चाहिए, फिर गार्जियन नेम, ऑक्यूपेशन किसी का भी डाल सकते हैं, एज अंकल उंकल किसी का भी, अगर फादर है तो सिर्फ फादर का ही कर लीजिए, ठीक है, ऑक्यूपेशन उनका, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, गार्जियन सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, मोबाइल नंबर, रेसिडेंस फ़ोन नंबर, ऑफिस फ़ोन नंबर, ठीक है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी यू वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन वो डाल लीजिए यहाँ पे, फिर स्पोर्ट डिटेल इफ एनी कोई है तो वो डाल लीजिए, फिर जैसे देखते हैं मैथविक क्लास टेंथ रिजल्ट डाल लीजिए, क्लास टेंथ एडमिट कार्ड, क्लास ट्वेल्थ रिजल्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, लास्ट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ठीक है, यहाँ पे केबी दिया हुआ कितने केबी में करना है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। उसके बाद मीडियम स्टडी इन डिग्री कोर्स आप कौन सा लेना है, इंग्लिश या बंगाली, तो आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है तो कर लीजिए। नंबर ऑफ फॉर्म फील्ड ऑफ अदर कॉलेज एक्सपेक्ट सिवना SNS कॉलेज, तो आपने किसी ने कॉलेज में आपने अप्लाई किया वो लिख कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद नेक्स्ट कर लेना है। तो ये इतना लंबा प्रोसेस है और काफ़ी लेंथी है इनका, ठीक है, तो ये मैं पूरा फॉर्म फिलअप करता हूँ फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे लेके चलता हूँ। तो काफ़ी देर के बाद इंट्री कन्फर्म हो चुका है, काफ़ी लेंथी प्रोसेस है इसका, उसके बाद हम लोग ओके कर लेते हैं, ठीक है। प्लीज़ सेलेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम रो टू सब्जेक्ट, फिर भी इशू आ रहा है, एक मिनट। तो ये सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, मेजर पॉलिटिकल साइंस, फिर आपने ज्योग्राफी अगर माइनर वन में आपको कर लेना है ज्योग्राफी, फिर ठीक है कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, फिर उसके बाद आपको एजुकेशन संस्कृत वुमेन स्टडी, एक मिनट ये क्या चीज़ें मांग रहा है, मैं एक बार पूरा प्रॉपर ये, अच्छा इसमें सब्जेक्ट ये सेलेक्ट करना है, तो मान लीजिए मेजर टू में मुझे वुमेन से स्टडी करना है, ठीक है, फिर कम्युनिकेटिव इंग्लिश है तो मुझे कम्युनिकेटिव इंग्लिश करना है, और EVS आ जाएगा क्योंकि EVS पढ़ना कंपलसरी है, फिर उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए, डू यू वांट टू सबमिट, ठीक है, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। ये तीन जो चार डाला गया है ये अपने हिसाब से माइनर मेजर माइनर टू माइनर वन ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन सक्सेसफुल, प्लीज़ क्लिक हियर टू जनरेट डेटा सीट एंड लॉग इन टू पोर्टल टू अप्लाई फॉर द अदर कोर्सेस, ठीक है, तो प्लीज़ क्लिक हियर टू जनरेट डेटा सीट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो देख सकते हैं आपका ये आपका आ चुका है, BA पॉलिटिकल साइंस में आपने अप्लाई किया है, ठीक है, आपको बेस्ट ऑफ फोर में 296 आया है ये मार्क्स के एग्ज़ाम ये करके, और एप्लीकेशन डेट 1/7/2023 BA पॉलिटिकल साइंस, ये मेजर में आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ, और नीचे पर्सनल डिटेल है, कुछ सिक्योरिटी रीजन से मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपको फिर दूसरा ये में करना है, अप्लाई करना है, तो यहाँ से लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने पर यहाँ लॉगिन आईडी जो मैंने बताया था वो डाल लीजिए, फिर पासवर्ड डाल लीजिए, फिर यहाँ से लॉगिन कीजिए,
तो यहाँ पे डाल के फिर लॉगिन कर लीजिएगा, फिर वैसे ही आपको अप्लाई करना है। तो आपके अप्लाई करने के बाद वो बीए पॉलिटिकल साइंस आपने अप्लाई कर दिया, अब आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है? तो यहाँ पे लॉगिन टू एडमिशन पोर्टल, ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, वो भी बता देते हैं। लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं लेके चलता हूँ आपको। तो लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा आएगा इनका पोर्टल, तो यहाँ पे एडिट करना है एडिट कर सकते हो, पासवर्ड चेंज करना है कर सकते हो, प्रिंट डुप्लीकेट एप्लीकेशन या चलानी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जैसे मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए किया था, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको प्रिंट आउट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन हो गया। अगर न्यू कोर्सेज में आपको अप्लाई करना है तो यही यहाँ पे न्यू कीजिएगा, फिर सेम प्रोसेस आपको करना होगा एंड तक। तो यही है, तो यही है पूरा फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या क्या करना है, सारे चीज़ें आपको समझा दिया मैंने। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा, और मेरे को नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं बेस्ट ऑफ फोर का टोटल 296 है, इसी पे मेरिट मार्क्स बनेगा, आपका भी अलग अलग डिफरेंस मार्क्स होगा, ठीक है, तो इसी पे आपका बनने वाला है। तो चलिए, होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, पर काफ़ी लेंदी प्रोसेस था, शिवनाथ शास्त्री कॉलेज का थोड़ा सा डिफरेंस प्रोसेस था, तो आपको भी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आप पूरा चीज़ें समझ लीजिए, डिटेल जो भी डालिए सही सही डिटेल डालिए। अगेन मैं बोल रहा हूँ, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि वही आपका मेन चीज़ है। और अप्लाई करना है फिर डिफरेंस कोर्स में, तो मैंने पहले बताया है कैसे आपको दूसरे कोर्स में अप्लाई करना है, वो भी अप्लाई कर दो। और कोशिश करो अच्छे से आप अप्लाई करो, मान लीजिए फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय ऑल ऑफ यू, ख्याल रखिए।